भैया सूर्यदेव, आपने मेरी उपेक्षा करके अपने भक्त सिंधु दैत्य को अतुल्य शक्तिशाली होने का वरदान दिया, किंतु इसका परिणाम आपने भी देखा होगा। परम देव श्री महागणेश की कृपा से आज भी मेरा स्वर्ग सुरक्षित है। भविष्य में मुझे चुनौती देने की भूल कदापि न करना। अब आप मौन क्यों हैं सूर्यदेव? क्या आपके भक्त सिंधु दैत्य की असफलता आपको मौन रहने को विवश कर रही है? भैया इंद्र, मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप हो रहा है। आज मैं ये समझ सका कि भाई भाई के मध्य शत्रुता का परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। सत्य तो यह है देवराज कि मैं सिंधु को वरदान देने के लिए विवश था। यदि तपस्या और आराधना का प्रतिफल न दिया जाए तो संसार में तपस्या और आराधना की परंपरा समाप्त हो जाएगी। जब सत्य की परंपरा का आपको ज्ञान है तो पश्चाताप क्यों? वरदान देते समय मैंने ये नहीं सोचा था देवराज कि एक असुर अपनी असुरता कभी नहीं छोड़ सकता। सिंधु ने मुझसे वरदान पाकर देवाधिदेव महादेव पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया और श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर ने उसे उचित दंड दिया। भैया सूर्यदेव, आपको अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए मैं व्याकुल था, किंतु आपसे भेंट होने के पश्चात आपके विराट व्यक्तित्व से मेरा परिचय हो गया। आपने अपनी भूल मानकर भाई भाई के संबंधों को और दृढ़ कर दिया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवराज, स्वर्गाधिपति होने के कारण स्वर्ग पर आने वाले संकटों से सचेत रहना आपका परम कर्तव्य है, परंतु मुझे मेरे कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान है। अब मैं वही जा रहा हूं जहां मेरा कर्तव्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं जानता हूं भैया इंद्र, मैं जानता हूं इस समय आप देवांतक और नरांतक की तपस्या में बाधा पहुंचाने जा रहे हैं, परंतु यह अनुचित है। आपका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शिव आराधना कर रहे हो, किंतु तुम्हारी यह तपस्या मैं संपूर्ण नहीं होने दूंगा। मेरा वज्र प्रहार सदा सदा के लिए तुम्हें नष्ट कर देगा। वज्र! सावधान इंद्र! ज्येष्ठ माता दीदी, आप यहां? देवताओं के राजा हो इंद्र, नीति धर्म और मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तपस्यारत तपस्वियों की हत्या करने की आज्ञा क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें देता है? दुष्टता की ये शिक्षा दुष्ट देवताओं को किस नीति शास्त्र ने दी है? क्या तुम्हारी माता अदिति ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? प्रश्न नीति मर्यादा धर्म संस्कार का नहीं है माता। राजा और उसके राज्य के लिए भविष्य में जो संकट बने उसका अंत करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। किस कर्तव्य का स्मरण करवा रहे हो तुम? हाँ, अवसर मिलने पर भी अपने शत्रुओं को जीवित छोड़ना क्या उचित है? क्या इस भूल के लिए भविष्य इंद्र को क्षमा करेगा? भविष्य तुम्हें क्षमा करे अथवा ना करे, किंतु दैत्य माता दिति तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगी। आपके क्षमादान की मुझे आवश्यकता नहीं है माता। देवांतक और नरांतक हमारे शत्रु हैं, और शत्रु का अंत कर देना नीति सम्मत है। सावधान इंद्र, यदि तूने तपस्या रत देवांतक और नरांतक पर
वज्र प्रहार करने की भूल की, तो मैं अपनी परम दैत्य शक्ति से तुझे इसी समय भस्म कर दूंगी। दैत्य शक्ति प्रकट हो। फायर इंद्र को भस्म करने के लिए अब तुम्हें निराश होना पड़ेगा दैत्य शक्ति। जाओ पाताल में रहकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। अपनी मूर्खता को विराम दो देवांतक नरांतक। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूं कि शिव आराधना में अपना समय व्यर्थ ना करो। शिव तुम्हें कदापि वरदान नहीं देंगे, क्योंकि वे महागणेश के अवतार श्री गणेश के पिता हैं। महागणेश ने पहले ही तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका अवतार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इंद्र के वज्र से तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाली दैत्य माता दिति ही तुम्हारी शुभ चिंतक है। हाँ, तुम्हारी शुभ चिंतक है। उसकी आज्ञा मान लेने में ही तुम्हारा कल्याण है। अपनी तपस्या को विराम दो मूर्खों, शिव आराधना का त्याग करो। तू यहाँ भी आ गया गजमुख, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा, कब मुझे शांति से जीने देगा? ज्येष्ठ माता, आप भी तो इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं तो आपको शांति पहुँचाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। मैंने आपसे कितनी बार प्रार्थना की कि आप मेरी माता अदिति के साथ शांति पूर्वक रहें, परंतु आपके मन में तो नागिन जैसा क्रोध का विष भरा है। बहुत कट, उस नागिन जैसे विष के कारण ही आप पुनः क्रोधित हो रही हैं। अभी भी विलंब नहीं हुआ है ज्येष्ठ माता, मेरे साथ चलकर आप माता अदिति के आश्रम में सुख पूर्वक निवास करें। दुष्ट, हठी गजमुख, मैं तेरे हठ को भली भांति जानती हूँ। आज मैं तेरे हठ का उपचार करके रहूंगी। अभी अदिति पुत्र इंद्र भी अपनी मूर्खता का फल भोगकर यहाँ से कायरों की भांति अदृश्य हो चुका है। अब मैं तुझे तेरे हट के लिए दंडित करती हूँ। क्रोध को तो आपने अपने जीवन का आभूषण बना लिया है, मैं तो आपको भविष्य के लिए उचित परामर्श दे रहा हूँ। तूने दैत्य माता दिति को परामर्श देकर भयानक भूल की है। दुष्ट गजमुख, इसके लिए मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। तुम किस किस को क्षमा नहीं करोगी दैत्य माता? सर्व पूज्य भगवान शिव से भी तुम द्वेष करती हो, इसी कारण इन दोनों को शिव आराधना छोड़ने के लिए कह रही हो, परंतु यह दोनों शिव आराधना कदापि नहीं छोड़ेंगे। इन्हें शिव आराधना छोड़नी ही होगी। मेरी आज्ञा मानकर इन्हें परम पिता ब्रह्मदेव जी की आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ माता, तुम इन्हें तपस्या का त्याग करने के लिए उस समय विवश कर रही हो जब इनकी तपस्या पूर्णता के निकट है। इन्हें वरदान देने के लिए भगवान शिव यहाँ पधारने वाले हैं। मेरी बात मानो ज्येष्ठ माता, यदि तुम भगवान शिव शंकर द्वारा इन्हें वरदान देते हुए देखना नहीं चाहती तो चलो मेरे साथ अदिति आश्रम। तू मुझे और क्रोध दिलाने की भूल ना कर महोत्कट, अन्यथा मैं अपने क्रोध से दैत्य शक्ति प्रकट कर तुझे क्षण मात्र में भस्म कर डालूंगी।
पुत्री दिति, श्री महागणेश के अवतार महोत्कट को भस्म करने की बात कहकर तुम अपने और दैत्यों के सर्वनाश के पथ पर आगे बढ़ रही हो। सावधान। आंखें खोलो देवांतक नरांतक, तुम्हारी निष्ठापूर्वक तपस्या ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया है। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हम तुम पर प्रसन्न हैं देवांतक नरांतक, अपना इच्छित वरदान मांगो। महादेव, हम त्रैलोक्य में पुनः दैत्य साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हे चंद्रशेखर, हम दानव मानव देवता सभी को अपने अधीन करना चाहते हैं। हमें ऐसी महान शक्ति दें जिसे संसार में कोई चुनौती न दे सके। हम दानव मानव देवता सभी को अपने अधीन करना चाहते हैं। हमें ऐसी महान शक्ति दें जिसे संसार में कोई चुनौती न दे सके। भोलेनाथ, यह तो वरदान में संसार की कोई भी शक्ति और वैभव छोड़ना नहीं चाहते। यह चाहते हैं कि वरदान पाने के पश्चात इनके अतिरिक्त सभी निर्बल दीनहीन होकर रह जाएं। क्या इन्हें ऐसा वरदान देना संसार वासियों के प्रति अन्याय नहीं होगा? दुष्ट गजमुख, तू इनके वरदान में भी बाधा पहुंचा रहा है, तेरा ये साहस? दिति, आपने हमें वरदान नहीं दिया। महादेव, देवांतक नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्म ले। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। कह दो इनसे, हमने जो मांगा है हमें वही चाहिए, इससे कम हम कुछ नहीं लेंगे। अन्यथा आप हमें वरदान दिए बिना ही यहाँ से लौट जाएं। ऐसा न कहो ज्येष्ठ माता, आपके कारण इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और निराश होकर यह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। देवांतक नरांतक, आशुतोष भगवान से तुम्हें जो भी वरदान देंगे वह तुम्हारे हित में होने के साथ ही श्रेष्ठ होगा। तुम दोनों इनसे प्रार्थना करो कि हमें निराश ना करें, जो हमारे योग्य हो वह हमें प्रदान करें। हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे देवांतक नरांतक, और ना ही तुम्हारे प्रति कोई अन्याय करेंगे। हम तुम्हें अतुल्य असुर शक्ति के साथ इच्छानुसार रूप बदलने, असुर सेना प्रकट करने का वरदान देते हैं। वत्स नरांतक। आज्ञा महादेव। तुम्हारा अधिकार पृथ्वीलोक पर रहेगा। देवांतक, तुम स्वर्ग के अधिपति बनोगे, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संघार के पात्र बन जाओगे। अरे मूर्खो, कम से कम शिव शंकर से अमरता का वरदान तो मांग लो। यदि अमरता का वरदान ना मिले तो कठिन मृत्यु का वरदान मांग लो। आशुतोष, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वरदान दें कि हमें देवता दानव मानव त्रिदेव और त्रिदेवियों में कोई ना मार सके। यदि आप हमें वरदान दें तो हम सदा आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। तथास्तु। अधिक चतुराई दिखाने का परिणाम ऐसा ही होता है दैत्य माता, अर्थात परम देव श्री महागणेश दानव मानव देवता और त्रिदेवों में तो नहीं आते, अब उनके अवतारों के हाथों इनकी मृत्यु का मार्ग तो सरल हो गया ना। अभी भी समय है ज्येष्ठ माता, आप मेरे साथ अदिति आश्रम चलें। दुष्ट गजमुख, तू मुझे बार बार अदिति आश्रम चलने को कहकर मेरा अपमान कर रहा है। अब आप चलना ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? प्रणाम। भगवान शिव आपके
मेरे चित्त को शांति दे। स्वयं ही अदृश्य हो गया, अन्यथा मेरा क्रोध उसे उचित दंड देता। दैत्य माता दीदी, हमें इसी समय दैत्य गुरु के पास चलना चाहिए। अवश्य, इस शुक्राचार्य की मूर्खता के कारण ही दैत्य जाति को भयानक हानि हुई है। यदि तुम दोनों शिव आराधना ना करते तो मैं तुम्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान दिलवाती। अब इस शुक्राचार्य को प्रताड़ित करना ही होगा। चलो। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, देवांतक और नरांतक ने आपकी आराधना करते हुए कठोर तपस्या की है, अब आप उन्हें इच्छित वरदान दें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपके आराध्य शिव शंकर ने देवांतक और नरांतक की कठोर तपस्या को अनदेखा करके उन्हें अनमना और अधूरा सा वरदान दे दिया है। देवांतक नरांतक, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, परंतु हम तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे संसार के सामने संकट जन्मे। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा, परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने ऐसा कोई अन्याय और अत्याचार का आश्रय लिया तो तुम संहार के पात्र बन जाओगे। दैत्यों के आराध्य बनने का ढोंग करने वाले शिव नहीं चाहते कि दैत्यों का उत्कर्ष हो। वे दैत्य साम्राज्य को तीनों लोकों में स्थापित होते देखना नहीं चाहते, और इसके दोषी आप हैं शुक्राचार्य। आप अपनी शिव भक्ति के कारण आप दैत्यों को शिव आराधना का परामर्श देकर उन्हें भ्रमित करते हैं, भ्रमित। अपना दोष दूसरे के मस्तक पे मढ़ देना आपका स्वभाव बन गया है दैत्य माता। देवांतक और नरांतक महादेव से इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करते हैं, परंतु आपकी उपस्थिति ने शिव को क्रोधित कर दिया है। आपके कारण दैत्य जाति की भयानक हानि हुई है। दैत्य जाति आपको कदापि क्षमा नहीं करेगी। आप अपने क्षमादान की चिंता करें शुक्राचार्य, अब वो दिन दूर नहीं जब भोले भाले असुर और दैत्य अपने दैत्य गुरु को दैत्यों का बैरी समझने लगे। आपकी प्रेरणा से ये कपोल कल्पित असत्य यदि प्रसारित हो भी गया तो सत्य के एक ही झटके से वह चरमराकर ढह जाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के सच्चे हित चिंतक है। दैत्य जाति का उत्कर्ष और कल्याण यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है।